सो ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। इस लॉकडाउन कहीं आप भी बोर हो रहे होंगे एंड आपके पास भी एक यार 2GB रैम वाला पीसी या लैपटॉप है, अच्छे ओपन वर्ल्ड गेम्स खेलना चाहते हैं, तो भैया ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने पोटैटो पीसी में आप कैसे ओपन वर्ल्ड गेम खेल सकते हैं, वो भी अच्छे ग्राफिक्स के साथ। तो वेल गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, और जितने भी मैं गेम्स बताने वाला हूं तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आराम से जाके वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो पे आ ही चुके हो या आपके फ्रेंड ने सजेस्ट कर दिया या ऐसे स्क्रॉल करते करते आपको वीडियो मिल दिया, तो भैया एक लाइक जरूर करके जाना और शेयर जरूर करना और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गेम निकल के आता है, उसका नाम है टॉम क्लैसी गोस्ट रिकॉन फ्यूचर सोल्जर। ये एक ओपन वर्ल्ड थर्ड पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है, जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों, ये गेम रिलीज किया गया था 6 जून 2012 को। एंड दोस्तों, ये गेम ऑलमोस्ट सब आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन, पीसी, इनफैक्ट आप अपने मोबाइल फोन में भी ये गेम को आराम से खेल सकते हैं। गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर भी आता है, मल्टीप्लेयर भी आता है, मतलब आप इसमें अपने फ्रेंड के साथ ऑनलाइन खेल सकते हो। गेम की बात करें तो गेम में आप एक सोल्जर का किरदार निभाते हो, जहां पर आपको अपने एनिमीज के बेस को तबाह करना रहता है और अपना मिशंस को कंप्लीट करना रहता है। साथ ही साथ जब आप गेम खेलोगे तो भैया आप अलग अलग सिटी में ट्रैवल करोगे। एंड इस गेम की मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है दोस्तों कि गेम जब आप खेलोगे तो आपको पूरा ओपन वर्ल्ड का यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो भैया मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खेलो एंड आप अपने नीचे कमेंट करोगे कि भाई गेम का ग्राफिक्स कैसा है। एंड इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो काफ़ी लो है। तो वेल गाइस, इस गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। वेल गाइस, रैम की बात करें तो भैया 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो भैया 212 MB बस ग्राफिक कार्ड आपके पीसी या लैपटॉप पे होना चाहिए। स्पेस की बात करें तो भैया 10GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और प्रोसेसर की बात करें तो भैया पेंटियम डी में गेम आराम से चल जाएगा। एंड वेल गाइस, अगर आपको इस गेम को इंस्टॉल करना है तो देर की इस बात की, नीचे लिंक है वेबसाइट का, जाके गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, बढ़ते हमारे सेकेंड गेम के ऊपर। सेकेंड गेम निकल के आता है, उसका नाम है फायर क्राई 3। एंड सो फायर क्राई 3 एक ओपन वर्ल्ड फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है, जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। तो वेल गाइस, ये थर्ड गेम में फार क्राई सीरीज का आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे माइक्रोसॉफ्ट प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स, प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स 1 और अपने पीसी में भी खेल सकते हो। साथ ही साथ गेम की रिलीज की बात करें तो भैया गेम रिलीज हुआ था 29 नवंबर 2012 को। गेम की मोड की बात करें तो भैया ये सिंगल प्लेयर भी है, मल्टीप्लेयर भी है। मैं आपको डिस्क्राइब कर देना चाहता हूं। यहां पर गेम में हम देखते हैं कि एक जेसन नाम का लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशन मनाने जाता है। यहां पर जेसन का जो भाई है रैली, उसको लिट लाइसेंस मिल चुका है। इसी खुशी में ये पार्टी, सभी पार्टी मना रहे हैं कि जेसन अपने फ्रेंड्स साथ स्काई डाइविंग करता है। एंड स्काई डाइविंग करते दौरान वो एक ऐसे आइलैंड में पहुंच जाता है जहां पर एक वास नाम का एक जो डकैत रहता है, जहां उसे माफिया भी बोल सकते हो आप, वहां पर उसका पूरा कब्जा रहता है। तो वो वास क्या करता है, इन जेसन के साथ जितने भी उसके दोस्त थे उन सभी को पकड़ लेता है। अब क्या होता है कि वास क्या करता है दोस्तों, कि जेसन के माँ बाप से फिरौती का पैसा मांगता है। देख के जेसन और ग्रैन दोनों भागने का कोशिश करते हैं। एंड भागते भागते क्या होता है कि वास देख लेता है इन दोनों को भागते हुए, तो ग्रैन को वहीं वो शूट कर देता है और ग्रैन की वही मौके पे मौत हो जाती है। अब क्या होता है दोस्तों कि जेसन जैसे तैसे भागता है एंड एक कबीले वाले लोगों से मिलता है, जो कि वास से एकदम मतलब यार तंग आ चुके थे। तो अब यहाँ से स्टोरी, मेन स्टोरी चालू होता है। यहाँ पर वो कबीले वाले लोगों के साथ मिलके वास के हर एक बेस को वो खत्म करता है। वेल गाइस, ये एक स्टोरी लाइन है। गेम में आपको पूरा ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। यहां पर आप हर एक चीज कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में कर सकते हो। यहां पर आप बोटिंग कर सकते हो, हेलीकॉप्टर चला सकते हो, गन चला सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट सभी चीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो भैया गेम का ग्राफिक कतई ओपी है, आप खेलोगे तो ही आपको पता चलेगा। आप कुछ लोग यहां बोलोगे कि भैया फायर क्राई 3 थोड़ी ना 2GB रैम में चलेगा, तो यहां पर मैं मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको शो कर देना चाहता हूं। दोस्तों रैम की बात करें तो भैया 2GB होना चाहिए और इंटेल कोर डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। और मिनिमम ग्राफिक कार्ड दोस्तों 512 MB होना चाहिए, जो कि आज की डेट पे हर एक इससे ज़्यादा ही रहता है हर एक पीसी या लैपटॉप पे। स्पेस की बात करें तो भैया 15GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना अपने पीसी या लैपटॉप पे। और अगर आपको इस गेम को इंस्टॉल करना है तो भाई वेट किस बात की, कूद फान के मेरे वेबसाइट पे जाओ ना भैया, इस गेम को इंस्टॉल करो। तो वेल गाइस, बढ़ते हमारे थर्ड गेम के ऊपर। जो हमारा थर्ड गेम निकल के आता है, उसका नाम है माफिया 2। एंड दोस्तों, माफिया 2 एक एक्शन एडवेंचर
एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, जिसे डेवलप किया गया है 2K गेम्स के द्वारा एंड इसे पब्लिश भी किया गया है 2K गेम्स के द्वारा। साथ ही साथ गेम को रिलीज किया गया था अगस्त 2010 को, एंड दोस्तों ये ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स एंड अपने PC प्लेटफॉर्म के लिए आराम से खेल सकते हो। साथ ही साथ गेम की बात करें तो भैया यहाँ पर आप एक माफिया का किरदार निभाते हो। यहाँ पर आपको अपने ओपोनेंट्स माफिया वाले को यहाँ पर आपको शूट करना रहता है एंड यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करना रहता है। बेसिकली बोला जाए तो एक मिशन कंप्लीटिंग गेम है दोस्तों। एंड गेम की बात करें तो भैया गेम का मैप काफी बड़ा है एंड यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड सिटी आपको देखने को मिल जाएगा। आफ्टर मिशन कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आप सिटी में इधर उधर घूम फिर सकते हो, सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो भैया गेम का ग्राफिक कतई ओपी है। सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया 1.5 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 512 MB ग्राफिक कार्ड होना चाहिए आपके PC या लैपटॉप पे। प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 8 GB के आसपास स्पेस खाई रखना अपने PC या लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपको इस गेम को भी इंस्टॉल करना तो भाई नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 4th गेम के ऊपर। ओके तो वेल गाइस जो मेरा 4th गेम निकल के आता है उसका नाम है असैसिन क्रीड ब्रदरहुड। एंड दोस्तों असैसिन क्रीड ब्रदरहुड एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। साथ ही साथ गेम को रिलीज किया गया था 16 नवंबर 2010 को एंड ये गेम आपकी सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स एंड विंडोज, मैक ओएस, प्लेस्टेशन 4 एंड एक्सबॉक्स 1 में खेल सकते हो। गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर भी आता है एंड मल्टीप्लेयर भी आता है। बेसिकली दोस्तों इस गेम में आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं। यहाँ पर आपको नया नया सिटी एक्सप्लोर करने देखने को मिलेगा, आपको टोटली ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। बेसिकली एक स्टोरी लाइन मिशन कंप्लीट गेम है, यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं। एंड यार सच बताओ तो गेम का ग्राफिक्स कतई ओपी है। अगर आप एक मिशन कंप्लीट गेम खेलना चाहते हो तो भैया असैसिन क्रीड ब्रदरहुड आप ही के लिए बना हुआ है। तो वेल गाइस इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो काफी ओपी है, आपको जरूर से इसे ट्राई करना चाहिए अगर आपके पास पीसी लैपटॉप है। तो वेल गाइस इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया 1.5 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 256 MB आपके पीसी या लैपटॉप पे होना चाहिए। और स्पेस की बात करें तो भैया 9 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना। प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर टू डुओ में गेम आराम से चल जाएगा। तो अगर आपको इस गेम को भी अगर आपको भैया इंस्टॉल करना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्यार से जाओ क्लिक करो एंड अपने गेम को इंस्टॉल कर। वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 5th गेम के ऊपर। 5th गेम निकल के आता है वो है हमारा द विचर 2 असैसिन ऑफ किंग। एंड दोस्तों द विचर 2 असैसिन ऑफ किंग एक एक्शन रोल प्ले ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया CD प्रोजेक्ट रेड के द्वारा। एंड दोस्तों ये ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, विंडोज, OS एंड लिनक्स में भी खेल सकते हो। साथ ही साथ गेम को रिलीज किया गया था 17 मई 2011 को। एंड गेम की मोड की बात करें तो भैया ये अभी तक सिंगल प्लेयर ही है। एंड मिशन कंप्लीट गेम है दोस्तों, यहां पर आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं। आफ्टर मिशन आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप एक राजा महाराजाओं वाले गेम में इंटरेस्टेड हो तो भैया ये गेम आप ही के लिए बना है। साथ ही साथ गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफी ओपी है दोस्तों, आपको जरूर से एक बार ट्राई करना चाहिए। एंड इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट दोस्तों वो भी कुछ ज्यादा नहीं है। इसकी बात करें तो भैया 1.5 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया इंटेल कोर टू डुओ में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 15 GB के आसपास स्पेस खाई रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपको इस गेम को भी इंस्टॉल करना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। गाइस यही कुछ 5 ओपन वर्ल्ड गेम थे आपके लो एंड PC के लिए। आई होप दोस्तों कि ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। इनफैक्ट मैंने 1 GB रैम के ऊपर भी वीडियो बनाया हो, आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा। तो जिनके पास 1 GB रैम है वो ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तो वेल गाइस बस आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड हाँ दोस्तों अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो यार, जिनके पास 2 GB रैम वाला PC या लैपटॉप और उसमें वो ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।